मेरा नाम अपूर्व है और मैं जा रहा हूँ भारत के जंगलों को एक्सप्लोर करने ईगल सफारीज के साथ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ के सफारीज का एक्सपीरियंस कैसा होता है। ईगल सफारीज द्वारा ऑर्गेनाइज इस सीरीज में मैं ऐसे ऐसे जंगलों में जाने वाला हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया। तो तैयार हो जाइए भारत के जंगलों के असली एडवेंचर को देखने के लिए। एंड नाउ लेट्स वॉक इनटू द वाइल्ड। स्वागत है एक नई सीरीज में जहां मैं आप लोगों को भारत के अलग अलग जंगलों में सफारी पे लेके जाने वाला हूं। इस सीरीज को ऑर्गेनाइज किया है ईगल सफारीज ने, जो बंजारा ट्रेवल्स का पार्ट है और एक्सपर्ट है भारत के अलग अलग जंगलों में वाइल्ड लाइफ ट्रिप्स और सफारीज ऑर्गेनाइज करने में। इस सीरीज में मेरी पहली डेस्टिनेशन है रणथंभौर नेशनल पार्क, जो राजस्थान में है, और दिल्ली से 5.5 घंटे की ड्राइव के बाद मैं अब आ गया हूँ इस लग्जरी रिजॉर्ट में जिसका नाम पुरातन किला है। आज मेरी इवनिंग सफारी है तो जल्दी से चेक इन करके सफारी के लिए जाना है। पुरातन किला एक लग्जरी रिजॉर्ट है जिसको पुराने किले के स्टाइल में बनाया गया है, और अगर आप रणथंभौर में सफारी करने या हॉलीडे के लिए आते हैं तो यहाँ एक अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए आप रुक सकते हैं। एक अच्छे से लंच के बाद अब टाइम है मेरी पहली सफारी का। अभी मेरी सफारी जोन 6 में है, जिसके गेट तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट लग जाएंगे। ये भैरव टेंपल है। ओके। और राजस्थान में तांत्रिक विद्या का सबसे बड़ा केंद्र है ये। ओके। हाँ, ये अब अभी भी है, बट अब यहाँ तंत्र विद्या नहीं होती है। अब तो तंत्र विद्या सिर्फ कोलकाता में ही होती है। और ये आ गया जोन 6 का गेट। मेरा नाम मुकेश भारद्वाज है, मैं EDC गाइड हूँ और यहाँ अभी EDC गाइडों में एसोसिएशन में प्रेसिडेंट हूँ। रणथंभौर नेशनल पार्क का जो टोटल एरिया है वो 1700 square kilometers में है। इसमें टोटल 10 जोन है। अभी अपन सफारी कर रहे हैं जोन नंबर 6 पर। इसमें 4 टाइगर्स की टेरिटरी है, 2 male and 2 female। मेल नंबर है 101 एंड अदर मेल है T58, और 2 फीमेल हैं जिनका नंबर है 127, जिसका नाम है लक्ष्मी। okay. और आपको बता देता हूँ, मज़े की बात यह है कि उसका नाम लक्ष्मी मैंने ही दिया हुआ है। oh, wow. और एक नूर है जिसका नंबर है T39। और यहाँ सबसे जो कुंबा बढ़ाने में जो टाइगर था वो कुंबा था, उसका नंबर था T34। वो आज दुनिया में नहीं है, बट इस 6 नंबर को चमन करने में उसका बहुत बड़ा बलिदान रहा है। एक क्वेश्चन। जी सर। नॉर्मली टाइगर को नंबर से दिया जाता है, और जब नाम रखते हैं तो कोई उसमें कोई सिग्निफिकेंस होती है, कोई मार्क होता है या कुछ होता है? आपने लक्ष्मी नाम रखा है, उसके पीछे रीज़न
उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि लाडली का लास्ट कब्ज था ये। ओके। लाडली इसके बाद में कोई कब्ज देने वाली नहीं थी। ओके। उसका नाम इसलिए रखा लक्ष्मी कि आने वाले टाइम में जो इसमें जो जो, जो नंबर छः में जो कुनबा बढ़ाएगी वो 127 ही बढ़ाएगी, इसलिए इसका नाम लक्ष्मी रखा है। अभी इसके बच्चे हैं? अभी इसके बच्चे नहीं है, ये समथिंग 3 साल की हुई है अभी। ओके। अच्छा एक क्वेश्चन और है, जो लक्ष्मी नाम आपने दिया तो लोग मान कैसे लें कि हाँ इसको लक्ष्मी बोलेंगे आप, कि कोई अथॉरिटी में राइट्स होते हैं या कि जो नाम आपने दिया कोई भी नाम दे सकता है? नहीं कोई नाम नहीं दे सकता। कोई अथॉरिटी होती है? नहीं कोई अथॉरिटी नहीं है। तो और डिपार्टमेंट में ये मेंशन भी नहीं होता है नाम, ये तो हम गाइड और ड्राइवर जो होते हैं वो एक पहचान के लिए अलग से ही अच्छा दे देते हैं। और धीरे धीरे जब बात बाहर निकलती है सब वही मानने लग जाते हैं। वही मानने लग जाते हैं। ओके। जो लाडली टाइग्रेस T8 थी उसके जो लास्ट लीटर हुए थे उनमें 3 थे, 2 मेल थे एक फीमेल थी। जो मेल है उनका मैंने नाम दिया है लव और कुश। वो भी आपने ही दिया है? वो भी मैंने ही दिया है। गुड। और टाइग्रेस का जो नाम दिया है लक्ष्मी वो भी मैंने ही दिया है। ओके ओके। तो अभी वो लव कुश कहाँ है? लव कुश सेपरेट हो गया ना सर, वो 3 साल के जब टाइग्रेस हो जाते हैं ना तो अपनी अपनी टेरिटरी अलग तो से अभी मतलब किस जोन में दिखते हैं? अभी नॉन टूरिज्म एरिया में है। नॉन टूरिज्म में। ओके। वैसे तो सफारी बुकिंग में गाइड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा चुना जाता है, लेकिन मेरी सफारी के लिए ईगल सफारीज ने मुकेश भारद्वाज जी को स्पेशली बुलाया है ताकि साइटिंग के चांस बढ़ सकें। कोई टाइगर अटैक हुआ है? जी हाँ टाइगर अटैक हुआ था, और उसमें अपन टाइगर की गलती नहीं मानते। एक बकरी चराने वाला जंगल में गया और वहाँ जाकर के टाइगर ने बकरी पे अटैक किया, बकरी को पकड़ लिया, वो अपनी बकरी को छुड़ाने के चक्कर में टाइगर के पत्थर दिया तो टाइगर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। बट ये तो लोग बागों की कहानी है कि टाइगर ने ऐसा कर दिया, बट टाइगर की गलती अपन नहीं मान के चलते इस चीज़ में। ओके। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे वो बैठा हुआ था तो नहीं पीछे से टाइगर को लंगूर के जैसा लगा होगा या कोई जानवर को अटैक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसने सिर्फ बकरी पे अटैक किया था, वहाँ बकरी भी मरी हुई थी। ओके। बट लोगों ने उस चीज़ को नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि आदमी को मार दिया, उन्होंने ये नहीं दिखाया कि बकरी भी मरी पड़ी हुई है। ओके। तो इस जोन की सारी हिस्ट्री जानने के बाद अब टाइम है इनमें से किसी टाइगर को खोजना और फिल्म करना। अभी तो दोपहर की तेज धूप है और ऐसे में किसी टाइगर का दिख पाना बहुत कठिन है। ये मॉनिटर लिजर्ड है। इस मॉनिटर लिजर्ड पे अभी कुछ तोते हमला कर रहे थे, लेकिन जब तक मैंने कैमरा उठाया ये वहां से बच के भाग गया। मॉनिटर लिजर्ड पेड़ पे चढ़ के पक्षियों को और उनके घोंसले से अंडे और बच्चों को खा लेते हैं। जंगल में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जब कुछ बर्ड्स झुंड में या जोड़े में शोर मचा रहे होते हैं। अधिकतर कारण कोई सांप या मॉनिटर लिजर्ड होते हैं जो उनके घोंसले तक पहुंचना चाहते हैं। सांवर का बच्चा है एक छोटा सा। जंगल अभी एकदम शांत है और यहाँ कुछ लंगूर नीचे धरती पे बैठ के आराम कर रहे हैं। टाइगर को खोजने के लिए लंगूरों के अलार्म कॉल को बहुत विश्वसनीय माना जाता है, और अभी इनको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ आसपास कोई टाइगर होगा। अभी हमें बस ट्राई करना है कि कहीं से कोई अलार्म कॉल सुनाई दे जाए या कोई जानवर दिख जाए जो अलर्ट हो। एक बार चेक कर ले पड़ी हो तो। यहाँ दूर एक सांबर खड़ा है लेकिन ये अभी अलर्ट नहीं लग रहा है। जब इसे टाइगर के होने का आभास होता है तो इनके पूंछ खड़े हो जाते हैं और ये चौकन्ने हो जाते हैं।
जंगल में टाइगर को ढूंढने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है और आपको बस इधर उधर ढूंढते रहना होता है और गाइड के एक्सपीरियंस से टाइगर को ट्रैक करना होता है। और ये आ गया जोन 6 और जोन 1 का वो पॉइंट जहां से ये दोनों जोन अलग होते हैं। आप बताओ। असल में एक टाइग्रेस है T39 जिसको नूर कहते हैं, वो जोन 6 से 1 की ओर आती जाती रहती है, तो दोनों जोन के जिप्सीज उसके लिए ही यहाँ वेट करते हैं। थोड़े देर वेट करने के बाद अब फिर से हम दूसरे एरिया को चेक करने निकल गए। अब शाम होती जा रही है और बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद भी अभी तक कोई टाइगर नहीं मिला। रुकना एक बार, रुकना। यहाँ हमें एक मोर मिल गया जो पानी पी रहा है। आज की सफारी तो ऐसे ही इधर उधर भटकते और वेट करते निकल गई, लेकिन टाइगर का दूर दूर तक अता पता नहीं लगा। आज की इवनिंग सफारी तो ओवर हो गई, लेकिन अब कल फिर से मेरी इवनिंग सफारी है जोन 10 में, तो देखते हैं कल क्या होता है। तो हम फिर से निकल गए हैं अपनी इवनिंग सफारी पे जोन 10 में। जोन 10 रणथंभौर के रिजॉर्ट वाले एरिया से सबसे दूर है और यहाँ पहुँचने में आधे घंटे लग जाते हैं। तो फिर से परमिट चेक कराने के बाद अब स्टार्ट होती है हमारी आज की सफारी। वेलकम बैक। अभी अपन जोन नंबर 10 पे है। यहाँ चार टाइगरों की टेरिटरी है, दो मेल हैं, दो फीमेल हैं। मेल का जो नंबर है T58 है, वो जोन नंबर 7, 8, 6, 10 पे जाता है। ओके। और फीमेल एक है T99 और उसी की एक बच्ची है, उसका अभी नंबर नहीं दिया है। और एक मेल है जो आता है यहाँ 108, उसका नाम है जय। जय बहुत रणथंभौर का सबसे बड़ा मेलों की गिनती में आता है अभी, एट दिस टाइम सबसे बड़ा मेल। इससे पहले फतेह हुआ करता था किसी टाइम पे, जो अब नहीं है। उसका नंबर था 42। अभी इधर हम किसके लिए जा रहे हैं? अभी अपन T99 की बेटी रहती है इस एरिया में, पूरे में। कितने साल की? समथिंग 2 से 2.5 साल थी। अच्छा, तो अभी उसको नंबर नहीं मिला? नंबर नहीं मिला अभी। कितने साल पे नंबर मिल जाता है? 3 साल से 3.5 साल के बीच में नंबर दे देते हैं। उस टाइग्रेस का हमने नाम दिया है आराध्या, क्योंकि ऐश्वर्या की बेटी है। 99 का नाम ऐश्वर्या है, तो उसकी बेटी आराध्या हो गई ना। हम थोड़ा ही आगे आए थे कि हमें सांबर डियर की कॉल सुनाई दी और यहाँ पहले से कुछ जिप्सीज भी कॉल को सुन के वेट कर रहे हैं। लेकिन थोड़े देर तक वेट करने के बाद अब हम और आगे जाके देखते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कॉल भी बंद हो गई और हो सकता है वहां जो टाइगर हो वो बैठ गया हो। वहां तो हमें ऐसा लगा कि वो डियर एक नील गाय को देख के कॉल दे रही थी। और अब हम वहीं पास में एक वाटर होल पे आ गए हैं। अभी धूप और गर्मी भी है, तो हो सकता है यहाँ कोई टाइगर निकल के पानी पीने आ जाए। बहुत बड़ा
डालो, थोड़ा बचा के लेना, बीच में ले लेना, टंकी तो नहीं हटाई क्या, और टायर ले लेना। हमें वाटर होल के दूसरी ओर से सांबर की कॉल आई और हम वहां चेक करने आ गए। इधर भी दो सांबर के भी अलर्ट है। हाँ। बीच में भैंस है यार, हो सकता है भैंस के चक्कर में दे रहा हूँ। हे भगवान, हाँ ये भैंस के चक्कर में दे रहा है। और वापस वाटर होल पे आने के बाद हमें यहाँ कुछ भैंस दिख रहे हैं जिसको देख के शायद सांबर डियर कॉल दे रहा हो। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भैंस भी चौंकने लग रहे हैं और झाड़ियों की ओर देख रहे हैं। इसको झाड़ी में कुछ दिख रहा है। हिम्मत है इस भैंस में। और वही एक भैंस झाड़ियों में अंदर जाके कुछ देखने का प्रयास कर रहा है। फाइनली वहां से सारे भैंस भी चले गए। अब शायद यहां कोई टाइगर हो तो बाहर आने का अच्छा मौका है। लेकिन थोड़े देर वेट करने के बाद हम फिर से आसपास चेक करने निकल गए क्योंकि कॉल अभी भी दूर से आ रही है। चलना तो पटापट खेच के यहाँ से। हाँ यहाँ से एक कॉल। ये सारी एक्टिविटीज वाटर होल के आसपास ही हो रही है। रोक रोक रोक, और उसी जगह से आया देखो आप, अपर चेक करिया है उस जगह था ही। और जब हम वाटर होल के आसपास इन सब कॉल को चेक कर रहे थे तभी दूसरे जिप्सी से हमें कॉल आई कि वाटर होल पे कुछ हुआ है। सांबर ये देख रहे हैं, बैठ गया। ओ फीमेल, इधर से अभी निकल के आई है। नाम है इसका आराध्य। अच्छा ये अभिषेक ऐश्वर्या की बेटी। तो फाइनली जिस टाइगर के चलते इतनी देर से हम कॉल्स के पीछे भाग रहे थे ये यहीं इतनी देर से झाड़ियों में थी और अब जाके बाहर आई है। इसका नाम आराध्या रखा है क्योंकि T99 जिसका नाम ऐश्वर्या है ये उसकी बेटी है। अभी इसको ऑफिशियली कोई नंबर नहीं दिया गया है। गर्मी के दिनों में टाइगर को पानी में या उसके आसपास बैठे देखना एक आम बात है लेकिन मेरे लिए ये पहली बार है। टाइगर मांस खाते हैं और इसलिए उन्हें गर्मी भी बहुत लगती है। गर्मी का होना टाइगर साइटिंग का सबसे बड़ा कारण है। गर्मी के दिनों में टाइगर दिन के समय पानी में बैठे मिल जाता है और इन्हें दिन में चलना फिरना इतना पसंद नहीं होता है और इसीलिए टाइगर की साइटिंग अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में अधिक होती है। अभी तो ये आराम के मूड में लग रही है और अब धीरे धीरे गहरे पानी में जा रही है। टाइगर का जंगल में दिख पाना भाग्य की बात है लेकिन एक एक्सपर्ट गाइड आपके साथ हो तो साइटिंग के चांस और बढ़ जाते हैं। आज जिस तरह से हमारे गाइड मुकेश भारद्वाज जी ने हर कॉल को ट्रैक किया हमें श्योर हो गया था कि सारी कहानी घूम के इसी पानी वाले एरिया में आती है। Thank you.
ये आवाज टाइगर अपने साथी को बुलाने के लिए करता है। वैसे तो सफारी का टाइम अब ओवर होने वाला है, लेकिन क्या पता यहाँ इसकी इस आवाज से कोई और टाइगर भी आ जाए। अब शाम हो गई है और सफारी ओवर होने से पहले हम सब आशा कर रहे हैं कि हमें एक और टाइगर देखने को मिल जाए। देख के ऐसा लग रहा है कि ये टाइग्रेस कीचड़ में फंस गई है और अपने आप को निकालने का प्रयास कर रही है। और बहुत देर तक वेट करने के बाद अब फाइनली ये पानी से उठी गई और अब बाहर जा रही है। और फाइनली आधे घंटे तक हमारे सामने रहने के बाद ये अब अंदर जंगल में जा रही है। और इसी के साथ आज की मेरी ये सफारी भी ओवर हो गई। अभी तो ये सीरीज स्टार्ट हुई है और मुझे अभी और भी सफारीज करनी है अलग अलग जंगलों में। अगर आप भी ऐसे सफारी पे जाना चाहते हैं तो आप ईगल सफारीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सफारी में।